रिश्ता क्या कहलाता है, मैं जल्द ही आएगा लीप। वैसे ये बात अगर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर ये सीरियल आप शुरू से देख रहे हैं, अक्षरा आई थी, उसके बाद फिर नायरा आई और फिर अक्षरा आई, लीप इस शो में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कहानी में अगर कोई बड़ा ट्विस्ट लाना है तो मेकर्स के लिए सबसे ज्यादा आसान है एक लीप ले आ देना। जल्द ही इस शो में आएगा लीप, और लीप के बाद अक्षरा और अभिमन्यु शादीशुदा होंगे, उनका अलग सा परिवार होगा और खबरों की माने तो शायद एक बेबी भी होगा। जी हाँ, वो अपनी अलग दुनिया बसा चुके होंगे इस परिवार से बहुत दूर। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी, वो एक दिन नहीं होता, वो एक दिन नहीं बीतता जब अक्षरा अपने परिवार को ना याद करे। वो चाहती है कि उसके इस बच्चे को, उसके दादा दादी आबा बाबा सबका प्यार मिले, मासी मामू सबका, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि फैमिली ने, जब से अक्षरा ने अभिमन्यु के साथ भागकर शादी की है, पूरे परिवार ने अक्षरा से रिश्ते तोड़ लिए हैं। दादी की बात करें तो उन्हें अक्षरा की याद बहुत आती है, लेकिन मनीष की वजह से पूरा परिवार मजबूर है, कोई भी अक्षरा से कॉन्टेक्ट नहीं करता। यही आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अक्षरा और अभिमन्यु अपनी एक अलग दुनिया बसा चुके होंगे, और लेकिन अचानक से एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जिसकी वजह से एक बार फिर से ये दोनों को इस घर यहां वापस आना पड़ेगा। आप देखना यह है कि आखिर ये 2 साल के लीप आता कब है, 2 साल के लीप में और कौन कौन से ट्विस्ट आते हैं, और आरोही की जिंदगी में क्या कोई और आता है, क्या होता है शो में आगे। ये सारे ट्विस्ट, सारे अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।